हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? मेरा मूड जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया था जब मैंने वीडियो क्लिप घर पे आके देखी। इससे पहले जो मैंने फेस पे बीबी क्रीम और मॉइस्चराइज़र जो अप्लाई किया था, वो यार बिल्कुल वो क्लिप ही नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम पर, वो वहीं पर ही अटक गई थी, वो चल नहीं रही है और पता नहीं क्या हो गया। बट थैंक गॉड कि उस वीडियो को मैंने वहाँ पे, वो 23 मिनट का हो गया था, उसे वहाँ पे मैंने स्टॉप करके फिर ये यहाँ से मैंने नया शूट करने लगी थी, तो जाके चलो इतना सा आग हो गया है, वरना मेरी मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाती। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो बीबी क्रीम ली थी ना, वो फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया था, बीबी क्रीम लिया था। बट वो बीबी क्रीम भी ऐसी थी कि आप देख सकते हो कि वो मेरा फेस कैसा डल सा लग रहा है, जैसे कोई बीमार सा इंसान हो वैसा। मतलब वो बीबी क्रीम ऐसी थी कि जैसे डस्की स्किन टोन पे वो सूट करती है ना, ऐसा था उनकी बीबी क्रीम। और ब्यूटी ब्लेंडर तो गॉड इतना गंदा था कि कुछ कहने को नहीं। फिर मैंने इनसे बोला था कि मैं रेड गाउन पहनूंगी, ब्लू कलर का उसमें टच है, तो इन्होंने क्या किया कि रेड नहीं करके, रेड अच्छा नहीं लगेगा, पिंक मैं करूँगी और ब्लू का स्मोकी आई कर दूँगी। तो मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, अभी मेरी आईज़ बिल्कुल जो ब्लू है ना वो पूरा फैल जाता है, और ये किसी एंगल से तो नहीं लग रहा है फ़िलहाल स्मोकी आई। और सच में फ्रेंड मेरा जो मूड है बिल्कुल ख़राब हो गया। आप समझ सकते हो कि जो यूट्यूबर हैं वो खुद समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को हम शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उस पर कितनी मेहनत लगती है, पूरा ख़राब हो गया। इन्होंने क्या किया कि ये देखिए ईयरबड लिया है और उसी से बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है, वो और फैल रहा है। इन्हें वहाँ पे क्या करना चाहिए था कि क्लिंजिंग से, कॉटन बॉल से लेके उस चीज़ को, एक्सेस को वाइप करना चाहिए था ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। बट वो तो बिल्कुल मेरी अंडर आई तो बिल्कुल डार्क सर्कल जैसा हो गया है, वो भी ब्लू वाला डार्क सर्कल। प्लीज़ आंटी बस करो, मेरी आईज़ दर्द होने लगी हैं। आप देख सकते हो कि मेरा जैसे फेस है लग ही नहीं रहा है कि मैंने अपने फेस पे फेस वॉश किया है, ऐसा स्किन मेरी लग गई है, लग रही है कि ऐसी वो बीबी क्रीम थी कि मैं क्या बताऊं। आपको देखना था वो क्लिप। फिर मस्कारा अप्लाई किया, भी जब मैंने बोला था कि आप मस्कारा नहीं अप्लाई करोगे। फिर लिपस्टिक है, इन्होंने कहा था आप मैम खुद लगा लीजिए। ये हो गया डन। मेरा मेकअप देखिए कितनों को पसंद आया। और हाइलाइटर मैंने बोला था कि आप हाइलाइटर लगा लो, कॉन्टोर तो पता नहीं था कि कॉन्टोर किसे कहते हैं, हाइलाइटर। बट मेरे को यहाँ पे कहीं नहीं पता चल रहा है कि मेरे फेस पे कहीं भी हाइलाइटर लगा है। बट हाँ, आपको ब्लश लास्ट में जब मैं घर जाके दिखाऊंगी तो आपको बहुत पता चलेगा। ये था आज का मेरा फर्स्ट मेकअप रिव्यू, और आपने जैसे देखा कि सच में ये बहुत ही, मैंने जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज फन के लिए पड़े हैं और मैंने सोची कि सच में ऐसा होता है। यहाँ पे मैं रहती हूँ तो मैंने ढूंढा यहाँ पे कि कौन सा वश मेकअप रहेगा, तो मेरे घर के पास में ही था, ज़्यादा मुझे इधर उधर ढूंढने की या गूगल करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि उनको मेकअप नहीं आता है करना, और आपके सामने है। मैंने भी सोचा कि क्यों ना YouTube पे इतने सारे वीडियोज़ जो पड़े हुए हैं फ़न के लिए, आप लोगों के लिए, तो मैंने भी ट्राई करा है, आप ट्राई किया है छोटा सा थोड़ा सा आपके ही फ़न के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरी आई का मेकअप कैसा है। ये मैंने उनसे कहा था कि मुझे गाउन पहनना है, रेड और ब्लू का थोड़ा सा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गोल्डन और पिंक कर देती हूँ और ब्लू का जो है मैं स्मोकी कर दूँगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, स्मोकी अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ठीक है। और कॉन्टोर पता नहीं था कि कॉन्टोर किसे कहते हैं। ब्लश जो है उन्होंने यहाँ पर लगाना था तो यहाँ पर लगाया, साथ में ये देखो, ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने ब्लश लगा दिया, थोप दिया। तो आज का ये वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय।